मैं बड़ा होकर या जो भी है मैं बड़ा होकर इधर जाऊंगा एंड ऑल दिस, बट मैंने आज तक जिंदगी में इमेजिन भी नहीं किया था मैं थक्कर में बिजन को। तो ये बहुत जबरदस्त चीज है कि आई एम इन टू दिस सिटी विच आई नेवर इमेजिन टू बी विजिटिंग माई सेल्फ। और इट्स बेसिकली कि शो क्या मुझे लगा क्यों यहां पर मैं स्कूल भी खोलना चाहिए और मुझे खुद भी आना चाहिए, बिकॉज मैं जब भी छोटे शहरों में विजिट करता था तो मुझे एक ही चीज नजर आती थी, वो आती थी भूख टू एक्चुअली गेट सक्सेस। यहां पर भी एक मैं रास्ते में भी ये भी देख रहा था कि ऑलमोस्ट 5 लाख शायद यहां की पॉपुलेशन है कि ज्यादा हो चुकी हुई है, ज्यादा विकीपीडिया में 5 लाख आ रही थी, ज्यादा है, ज्यादा हो गई, कितनी होगी? अच्छा 10 लाख है, इट्स अ बिग सिटी एक्चुअली। सो ये छोटा शहर भी नहीं, हम जा सकते हैं कि तीसरे नंबर पे एस्टेन में। सो ये कि आप को ये खुद भी देखना होगा कि मैं कैसे, हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद है कि आपको एक विजन और एक रोड मैप प्रोवाइड करना। अब ये आप लोगों पे है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज करके उस विजन को अचीव कर पाएंगे। जितनी भी हमारी स्टोरीज हैं वो पैदा तो सोने का चमचा लेकर नहीं हुए थे, क्योंकि ऐसे ही कहीं पे किसी भी छोटे से शहर में मौजूद थे। छोटे से किसी भी शहर में आप देख लें, जीसी का वाइस चांसलर जो है इस वक्त प्रोफेसर असगर, ही वॉज बोर्न इन द टाउन कॉल्ड मोहम्मदी टाउन सामने। वो टाउन किस वजह से फेमस था कि यहां सबसे ज्यादा डाके पड़ते हैं, तो कोई बंदा यहां जाता है वो बगैर जेब कटवा के या बगैर लुटवा के अपने आप को बाहर नहीं निकलता, ये फेमस था। और आज वो जीसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वाई नॉट फ्रॉम सखर। तो ये आप लोगों को ये विजन डेवलप होना चाहिए कि मैं सारी जिंदगी जो ये कर रहा, आज आप यंग लोग हैं, देखें कि मैं 5 साल बाद किधर हूं, इधर ही हूं, 10 साल बाद किधर हूं या इधर ही हूं। ये हम लोगों ने आपको विजन देना, विजन डेवलप करना है कि मैं अगर नहीं कर पाया तो क्या मैं ऐसा काम कर दूं कि आने वाली नस्लें मेरी जो है वो कर दें, मेरे बच्चे कर दें, क्या मेरे बच्चे भी इसी तरह स्ट्रगल करेंगे कि थोड़े से जैसे आप थोड़े से लग रहे हैं कि मैच्योर है, बाकी अभी बच्चों वाली एज दूर है। ये देखें कि मैं आगे कब हूं, 25 साल में लग्जरी लाइफ जीने का मजा है कि 65 साल में मजा है। तो ये अपने आप को रगड़ा लगाएं, जितना ज्यादा से ज्यादा भूल जाए कि यार सोना भी है, भूल जाए कि दिन भी होता है रात भी होती है। तो पता नहीं किसका फेमस कोट है कि 6 महीने के लिए मर जाए, जस्ट एक्चुअली थिंक कोई एग्जिस्ट नहीं करता, दिस इज समथिंग कि मैंने बस दिन रात मेहनत करनी है, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकता वो वाला तो हिसाब रहा ही नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता जी कोई चीज। अगर ऐसी चीज में मास्टर हो जाए, स्किल सीख जाए, कहां से कहां पहुंच सकते हैं स्किल सीख कर। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप लोग एक विजन के तहत चलें। मैं इसको इंटरेक्टिव भी देखना चाहता हूं कि आई वांट टू सी कितने आप स्टूडेंट्स हैं सारे, सारे स्टूडेंट्स, सो आई वांट टू सी कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या इश्यूज हैं और क्या चीजें आप समझते हैं कि हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। किसको सबसे पहले सवाल करना है? इसके बगैर तो होगा ही ना, मतलब ऑब्वियसली अब ये भी होता है कि सबसे पहले आप देख रहे होते हैं कि पहले कोई और इनिशिएटिव ले, तो जो लीडर होता है ना वो ये नहीं देखता कि पहले, वो सबसे पहले खुद ले लेता इनिशिएटिव। व्हाई डू वी थिंक कि यार वो आप खड़ा करें फिर मैं पूछूंगा ना ऑब्वियस, राइट? सो ही आस्क बिफोर। सर आपका शुक्रिया, आप सकर में आए और सकर को आपको अपनी कंसीडरेशन दी, और एज ए न्यू भी आप हमें थोड़ा रोड मैप दें कि जैसे हमने एमबीए मास्टरी का कोर्स किया हुआ है, तो महीने में शुरू में अगर कितनी इनकम स्ट्रीम जो है ना हम माइंड में रखें कि कितनी जनरेट करनी है, आपके जहन में होने नहीं चाहिए कितने पैसे बनाने हैं, आपके जहन में ये होना चाहिए मैंने अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, मैंने अपनी किस स्किल का अकीदा बन जाना है कि पूरे सखर को बताया कि पूरे सखर में होलसेल का एक्सपर्ट आप कौन है, क्या नाम है? हुसैन है ना, हुसैन। तो पूरे सखर में होलसेल का एक्सपर्ट हुसैन है, अभी होलसेल का एक्सपर्ट कौन है सखर में, किसी को पता है आपने से? किसी को नहीं पता, तो क्यों ना ये पता हो सबसे पहले कि हुसैन इज एन एक्सपर्ट ऑफ होलसेल। जब ये अपनी वैल्यू बना लेंगे ना तो लोग उन्हीं पीछे आएंगे।
मेरा सर पूछने का यही था मतलब कि अगर हम स्किल सीखे उसके बाद हम क्या प्लान रखेंगे। देखिए स्किल सीखने के बाद उसको आपने प्रैक्टिकली, ये चीज प्रैक्टिकली है, ये स्लाइड से ऑल दिस तो एक जस्ट टू गेट द कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिकली करने आ गया तो प्रैक्टिकली आपके पास पैसे नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर साथ किसी को मिलाएं जो के समझे कि यार मिलकर काम कर सकते हैं, तो बिजनेस करने जा रहे हैं, मुझे बताएं आप बिजनेस करेंगे यहाँ पर सक्कर में करते हैं तो एक शॉप ही लेते हैं तो पहले आपसे 3 महीने का रेंट मांगेगा, कुछ महीने का रेंट जरूर मांगेगा, उसके बाद आपने ऑफिस या जो भी दुकान खोलने वाले के लिए चाय वाले या ऑफिस वो भी रखना पड़ेगा, वो अलग खर्चा है, लाइट का इलेक्ट्रिसिटी का अलग खर्चा है, गैस का अलग खर्चा है और लॉजिस्टिक्स सामान रखने का अलग खर्चा है, बिजनेस का है तो ये बिजनेस है। अब कैसा है बिजनेस है कि जब पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और थोड़ा सा मैं भी कहूंगा मैं कामयाब भी होता हूँ, यू आर डूइंग अ बिजनेस, और लाइफ में बिजनेस के लिए रिस्क तो लेना पड़ता है। आप ये देखें कि मेरे मंथ के खर्चे कितने हैं, हर मंथ का अगर खर्चा आपका 1,00,000 रुपया है तो आपने ये देखना है कि मैं कैसे गुजारा करूंगा अगर मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा, पहले तो अपना ये हिसाब लगाएं और फिर एक एक्स्ट्रा इनकम को जनरेट करना है टू लीव दी एग्जिस्टिंग इनकम, अगर आपके अगर जॉब करते हैं जो भी करते हैं तो वो उस एग्जिस्टिंग इनकम से छुटकारा लेने के पहले ये होता है कि जो मेरी लाइफ फॉर किचन ओवर्ड एंड ऑल दैट का जो मेरा सामान आता है वो तो नहीं इम्पैक्ट होगा। अब रिस्क कैसे भी नहीं ले लेना, मोटरसाइकिल बेच के ले लें, कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए ना बेसिकली, कि मेरी लाइफ को भी इम्पैक्ट ना हो, ना कि मैं जिस बार में आके मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनकर चीजें बेच के रिस्क लेना शुरू कर दूं। इट्स अ बिजनेस कैन गो रॉन्ग बट इमेजिन इफ इट गोज वेल। तो ये है कि हमारा काम था आप लोगों को जो पूरे पाकिस्तान में हमने ये दिया कि आप कैसे अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया है कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के बाद आप क्या हैं, क्लियरली अनएम्प्लॉयड। तो ये एक आपको रोड मैप दे रहा है कि हो सकता है कि मैं इससे एक अपना साथ साथ की फ्रीलांसर बन जाऊं, सिर्फ अमेजोन ही वर्ल्ड नहीं है पूरी, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच यू कैन बी एबल टू लर्न। ये एक पहला स्टेप था कि एक दुनिया और भी है, कुछ और भी मौजूद है जिसको आप सीख सकते हैं और कैन बी एबल टू टेक एडवांटेज। तो ये अब आपने देखना है कि मैंने क्या करना है और किस तरह से जी हाँ जी। वेरी गुड शॉट। यहाँ पर ऐसे हो 3 किस्तों में हो जाए, अब वो एट ए टाइम पे करना पड़ेगा। देखिए हम तो कहते हैं कि आप कोर्स करें ना, आप सीधा टेबलिंग वीडियो सीरीज ईवीएस को लें, वो ईवीएस को लें, वो देखें और देखने के बाद आपको वर्किंग स्पेस में आ जाए, वॉर्ड में अगर जगह मौजूद है तो यहाँ पर आप आके प्रैक्टिकल करें, एक्सपीरियंस लें, लोगों के साथ अटैच हों, सेशन भी हो रहे होते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है अगर अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने जी सवाल है जैसे सवाल क्लियर होता तो उधर आप ग्रुप में पूछे, 13 लाख लोग हैं ग्रुप में जो आपको हर क्वेश्चन का आंसर 60 सेकंड में देंगे, राइट, तो ग्रुप में पूछना है। देखिए इंसान जो है ना हमेशा वही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरक्की करता है जो सारी जिंदगी सपोर्ट के पीछे नहीं हो रहा। अगर आपको आप वो देख ले जिसको सपोर्ट मिली है वो कहाँ है, जिसको सपोर्ट नहीं मिली वो कहाँ है, तो ये हमेशा सारी जिंदगी ये ना जहन में रखे कि मुझे सपोर्ट नहीं मिली। इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है, हर चीज यूट्यूब गूगल पे मौजूद है, नहीं वहां से मिला तो ई कॉमर्स बाय डेविड में 13 लाख लोग हैं, राइट, मजाक तो नहीं है, और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है, उसमें आपने पूछना है, क्वेश्चन पूछना है बड़े एक सिस्टमेटिक अंदाज से, आपको उसका आंसर होगा, नहीं होगा तो दैट्स आवर इशू। क्योंकि आप ये देखें लॉजिस्टिक्स हैं, लोगों की फीसिस हैं, अब लोगों ने भी एक फीस नहीं है, एक भी लॉजिस्टिक्स है ना, दूसरा एक बड़ी हैसल है, ऐसे ये है कि अच्छा जी मेरे पास सर इस दफा नहीं आए प्लीज,
तो हम क्या आपको कहें जाओ क्लास से बाहर, एथिकली हम नहीं कह सकते। वो एक बहुत ही हमारे लिए भी ऐसा है कि किसी को क्लास से बाहर निकालना कि वो कहे जी कि आपने फीस नहीं दी, तो ऐसा सिनेरियो जब अक्कर होगा किसी के साथ, किसी की लाइफ के साथ, तो हम तो यही हर वक्त ही वो बरतने के बच्चों को बाहर निकाल दिया। ये लॉजिस्टिक्स पर्सपेक्टिव से टू थिंक एज द बिगर पिक्चर जैसा होता है ये कि वी आई विश वी कुड हैव डन ऑल दिस फ्री, बट अनफॉर्चुनेटली वी आर थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉयज, 87 कैंपसेस, और जो हालात है आजकल वी हैव इंक्रीज एनीथिंग विच वी सपोज टू, ये कि जस्ट बिकॉज वी आर ऑपरेटिंग लॉजिस्टिक्स एंड हैविंग द बेस्ट ब्रेन्स आउट देयर हु नीड्स टू आल्सो रन देयर ओन थिंग्स, ये है। अदरवाइज एक सवाल और, ये स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स याद कर सकते उसमें क्या कि सर स्कूल बच्चों के लिए खोलते हैं और एज अ टीचर क्लास में मैं चार्जिंग की मेरी बैटरी लगी ना उसको उठाऊंगा, बैटरी चार्जिंग का लगा दी थी पता भी ना ऐसे उठा के लेकर बेसिकली, एंड विल बी ओपनिंग इन सेप्टेम्बर। उसके बाद वी हैव हैड ए ह्यूज रिस्पॉन्स विद इन 4 मंथ्स, वी हैव ओपन्ड, ये 15वां स्कूल है विद इन 4 मंथ्स, और ये क्रेजी ग्रोथ अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज वी हैव एडेड समथिंग यूनिक इन इट, एंड व्हाट इज यूनिक इन इट, जिसमें बच्चों की तरबियत भी होगा और पेरेंट्स की भी, कि पेरेंट्स घर में क्या लैंग्वेज यूज करते हैं और बच्चे वहां से आकर फिर उस इन्फ्लुएंस का शिकार हो जाते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा करिकुलम है, और दैट शुड चेंज पाकिस्तान आफ्टर सम इयर्स बिकॉज बच्चे एक नए लीडर पैदा हो रहे हैं। नहीं तो मैं आपको एक वाक्य सुनाऊं कि मैं एक दफा, मुझे पंजाब गवर्नमेंट ने बुलाया, फिर भी पंजाब गवर्नमेंट में जितने पंजाब के कॉलेजेस हैं उनके प्रिंसिपल को स्पीचेस दीजिए कि वो अपनी चीजों को कैसे मॉडिफाई और अपडेट कर सकें, पंजाब के प्रिंसिपल्स कॉलेजेस के। तो मैंने तकरीबन 45 मिनट स्पीच दी वहां पर, पीएचईसी जैसे एचईसी इस तरह पंजाब का पीएचईसी है, तो 45 मिनट स्पीच देने के बाद आई आस्क कि इन प्रिंसिपल्स में से किसी को कोई क्वेश्चन है, एंड वन ऑफ द प्रिंसिपल आस्क मी कि आपने प्रेजेंटेशन में लाहौर में मीनारे पाकिस्तान की पिक्चर यूज की है, वो किसकी इजाजत से की है? दैट वॉज हिज लॉजिक एंड थिंकिंग, क्या आप क्यों ये पिक्चर भी यूज कर रहे हैं मीनारे पाकिस्तान की? ही डिडंट इवन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी थी कि मैं ये पिक्चर की यूज है, जिसका मीनारे पाकिस्तान की पिक्चर मीनारे पाकिस्तान की यूज करनी है, कोई इलामे इकबाल तो नहीं लगा देना कि मीनारे पाकिस्तान। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, हमारे लोग अभी भी पुरानी चीजें लेकर बैठे हैं, और ये नया रिवाइव करने के लिए हर बंदा ये चाहता है ना कि गर्मी में दरख्त के नीचे खड़ा हो या गाड़ी या मोटरसाइकिल पार्क करे, लेकिन खुद क्यों नहीं ट्री लगाता? तो वी आर टेकिंग इनिशिएटिव के खुद ट्री लगाएं कि जिससे लोग फायदा उठा सकें, अगर हमने भी पैसे कमाने हैं तो। यहाँ पे बहुत अच्छी स्कीमें हैं डीएचई जहां आप प्रॉपर्टी लें और 3 साल बाद बेच दें और आपका प्रॉफिट मिल जाए, तो हम शुरू ही ऐसे लेते हैं सारी, बिकॉज अब वो एक आपको पढ़ गया कि इम्पैक्ट डालना है, इसी तरह से ये आपके जहन में भी होना चाहिए कि मैं सारी जिंदगी ये ना सोचता रहूं कि मुझे सपोर्ट भी मिले, खुद से भी इनिशिएटिव लेने हैं, और बहुत सारी खुद चीजें भी आप कर सकते हैं। इंसान अपना रास्ता खुद बनाता है, डायरेक्शन उसको मिलती है। ठीक है जी, जी बिल्कुल। सर पहले तो आपका बहुत शुक्र है कि आप सखर में आए, और आपकी प्रोसेस की जो इंटीरियर सेल है कराची के अलावा वहां पर रेलवे स्टेशन हमारे जर्नी स्टार्ट करता है उसमें प्रॉब्लम को आती है, फोन आउट की आती है, ये लोग भी बहुत फेस कर रहे हैं, कुछ पार्ट भी हूँ इनका, ऑन एंड ऑफ इनके साथ में काम करता रहता हूँ। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इस इनेबल हमें कर दिया है कि हम कुछ अब कर सकते हैं, अब हम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहे, जो भी इस प्लेटफॉर्म से होकर गया है 1-2 महीने 3 महीने जब आया है यहाँ पर,
पर वो उसकी ये तो थिंकिंग बन चुकी है कि अब मुझे किसी पर डिपेंड नहीं करना, मैं खुद भी कुछ कर सकता हूँ, जॉब 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 सर, वो चीज़ जो है ना वो जहन से निकलती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर सखर इट्सेल्फ, सर नाम से साहब को भी पता नहीं, जैसे बहुत से लोगों को पता नहीं कि सखर जो है